ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस, उसका शुल्क लागू है। वर्तमान युग में अधिकतर घरों में ग्रह कलेश या लड़ाई झगड़े आम बात हो चली है। इसके चलते घर एक धर्मशाला या शरणार्थी शिविर जैसा बन जाता है, जहाँ लोग बस सोने, खाने, पीने और रहने के लिए रहते हैं। इसके क्या कारण है और इसका समाधान क्या है, आओ जानते हैं संक्षिप्त में। कारण, ग्रह कलेश के मुख्य 10 कारण होते हैं। आपस में प्रेम का न होना, वैचारिक मतभेद होना, पितृदोष का होना, शराब, सिगरेट या आदि व्यसनों का सेवन करना, ग्रह दोष, घर की महिलाओं का अनादर करना, संस्कारों का अभाव, धन का नाश होना, खुद को घर का मुखिया समझकर अन्य सदस्यों पर हुक्म चलाना, ये मुख्य कारण है जो आम लोगों में पाए जाते हैं। इसके नुकसान क्या है? घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि और ऐश्वर्य का नाश कर देता है। परिवार बिखर जाता है, रोग पीछे लग जाता है और घटनाएं और दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। व्यक्ति में हत्या या आत्महत्या की प्रवृत्तियां बढ़ जाती है, इसलिए घर में कलेश पैदा हो जाता है। अब जानते हैं कि इसका निवारण क्या है। आपस में प्रेम और सबसे पहला निवारण है कि आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझे और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाए। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें, सभी के विचारों का सम्मान करें, अपने कर्म को सुधारें, क्रोध और शराब को छोड़कर परिवार में परस्पर प्रेम की स्थापना करें। दूसरा उपाय है कि कपूर और गूगल को गुरुवार के दिन गुड़ और घी, तेरस के दिन चौदस और अम्मास को सुबह और शाम को धूप दें। सुगंधित वातावरण रखने से मन शांत रहता है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसे घर में सभी तरह के नकारात्मक शक्तियों से आपको बचाएगा। श्राद्ध पक्ष के दिनों में तर्पण आदि कर्म करना और पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा रखना चाहिए। कौवे, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाते रहना चाहिए। पीपल या बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाते रहना चाहिए। केसर का तिलक लगाते रहना चाहिए। कुटुंब के सभी लोगों से बराबर मात्रा में सिक्के लेकर उसे मंदिर में दान करना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्र जाप, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पितृदोष चला जाता है। घर का वास्तु दोष सुधारें और ईशान कोण को मजबूत या वास्तु अनुसार बनाएं। इन सभी उपायों को करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा और आप इस सब परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। ओम नमः शिवाय।